चलिए हम आपको तस्वीर दिखाने लेकर चल रहे हैं। भिवंडी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर भारतीय फ्रंट का जिसका गठन किया गया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भिवंडी भारतीय जनता पार्टी मध्य भारतीय कार्यालय में जिस वक्त गठन किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो लोगों को यह पद मिला, खास करके ये अजीत सिंह जिन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, इनके साथ में कई कार्यकर्ताओं को पद वितरण किया गया, पर लोगों में जो उत्साह था और खास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शहर में बढ़ती जा रही है और भी राजनीतिक दलों की हालात दयनीय होती नज़र आ रही है जो तस्वीरें बता रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना लोगों में खुशी था। लोग जब पद ग्रहण कर रहे थे उस समय उनके मुख पर जो मुस्कान थी यह स्पष्ट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद किस तरीके से अपने समाज की तरक्की हो सकती है, ये तस्वीरें साफ बयां कर। प्रवीण मिश्रा जो कि उत्तर भारतीय जनता पार्टी समाज के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यह युवा मोर्चा का गठन किया गया। इस वक्त वहाँ पर संतोष मंजिया सिट्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं, उनके साथ विशाल पाठारे जो कि युवा नेता हैं, उनके साथ महिला अध्यक्षा ममता परमानी, इनके अलावा वहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हम आपको लेकर चल रहे हैं यह तस्वीर दिखाने के लिए जब यह पद वितरण किया जा रहा था उस समय का यह तस्वीर। बहुत लोग आज नहीं भी रह सकते उस टाइम, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश का ताकत क्या है, जैसे इधर है मतलब भारत के नक्शे में दिल में, तो वो हिसाब से उत्तर प्रदेश को बनाया कि दुनिया की भारत की सबसे बड़ी अगर कोई स्टेट है तो कौन है, यूपी। आज तक जितने प्रधानमंत्री निकले थे कहां से निकले, यूपी। यूपी को तीन भाग किया फिर भी यूपी बढ़ा, यूपी को उत्तराखंड किया और छत्तीसगढ़ किया फिर भी यूपी बढ़ा। तो मतलब देखो यूपी का जो बनावट है, रामलाल कहां से आए, यूपी से, हमारी पार्टी का न्यू यूपी से भारतीय जनता पार्टी, वहां से आप लोग सब यहां जितने बैठे ना वहां से, पूरे देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहां पे उत्तर प्रदेश के बगैर काम चले। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज युवा मोर्चा का गठन हुआ खास उत्तर भारत में, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में आज पहली बार जो भिवंडी शहर जिले की तरफ से उत्तर भारतीय मोर्चा का पहली बार गठन किया जा रहा है और इसमें इतने काबिल लोग हैं ना युवा मोर्चा में कि आप जैसे नाम है युवा मोर्चा के साथ साथ इसमें हर उत्तर भारतीय समाज के लोगों को लिया गया है, किसी भी प्रकार का जात पात का भेदभाव नहीं रखा गया है और इसमें जो समाज के अच्छे लोग थे जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे ऐसे हमारे जो कोहने और हीरे थे उसको ढूंढ करके हम लोग समाज से निकाला है और निश्चित तौर पे आने वाले उत्तर भारतीय समाज को मजबूत करेंगे और समाज को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे।